बीती 22 जून को एक मोटरसाइकिल हीरो होंडा एचएफ डिलक्स जो कि चोरी हो चुकी थी, उसकी प्राथमिकी चंदेरी थाने में दर्ज कराई गई थी। चंदेरी थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में एक टीम का गठन किया, जिसमें उपनिरीक्षक भरत किरार, उपनिरीक्षक ओम प्रकाश बड़ोनिया, आरक्षक रामलखन प्रीतम, जय कुमार विश्वनाथ। टीम ने तत्परता दिखाते हुए चोरी की हुई बाइक को महज 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचाया। थाना प्रभारी उपेंद्र भाटी के द्वारा बताया गया है कि पुलिस अधीक्षक महोदय रघुवंश भदौरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमलता कुरिल, एसडीओपी लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में चलाए जा रहे चोरों लुटेरों माइनर एक्ट के आरोपियों और स्थायी वारंटी को पकड़ने का अभियान चलाया जा रहा है। और इसी तारतम्य में चंदेरी थाने में बीती 22 जून को एक मोटरसाइकिल चोरी की प्राथमिकी दर्ज हुई थी, जिसमें चंदेरी थाने में एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें मंगलवार को मेखलाल उर्फ बिट्टू निवासी नयागांव थाना बमोर कला जिला शिवपुरी को चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार कर आरोपियों को हिरासत में लेकर न्यायालय में पेश किया गया है। पुलिस अधीक्षक महोदय अशोक नगर के निर्देशन में जो स्थायी वारंटियों चोरों नकबजनों बदमाशों और को पकड़ने का और माइनर एक्ट की कार्रवाई बनाने का अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत आज चंदेरी थाने में 2 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया गया है और मोटरसाइकिल चोरी की एक आरोपी से बरामद की गई है। तो ये कार्रवाई कुल मिला के अभी इस अभियान के दौरान 10 स्थायी वारंट काबिल कराए गए हैं और करीब करीब 40-50 लीटर शराब, अवैध शराब जब्त की गई है और 3 बदमाशों को, चोरी की बदमाशों को पकड़ा गया है और अन्य मामलों में भी गिरफ्तारियां की जा रही हैं और ये अभियान जब तक चलेगा तब तक की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।